मंडी से धर्मशाला के लिए शुरू हुई हेलीटैक्सी से दो यात्री रवाना हुए। इस दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने यात्रियों की अगवानी की। हेलीटैक्सी 11 सीटर थी। हेलीटैक्सी में शिमला से यात्री के तौर पर वन मंत्री राकेश पठानिया और बोधराज चंदेल धर्मशाला के लिए सवार थे। मंडी से भी दो यात्री धर्मशाला के लिए सवार हुए। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि मंडी वासियों को हफ्ते के 6 दिन में दो बार चॉपर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तहत जो अब हिमाचल प्रदेश के हर शहर को जोड़ने का, रामपुर को जोड़ दिया गया है, धर्मशाला को जोड़ दिया गया है, शिमला को जोड़ दिया गया है और अब मंडी को जोड़ दिया गया है। इसको हम बढ़ा के आगे काफ़ी शहरों तक लेके जाना चाहेंगे ताकि एक आम व्यक्ति भी जो है एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा सके। ये सारा विजन और ये सारी देन जो है वो आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ उनके विजन के लिए कि आज मंडी से पहली फ्लाइट शिमला से आई है और यहाँ से मंडी से अब ये होती हुई धर्मशाला जाएगी। मंडी वासियों को तो एक और बधाई कि आप 6 दिन लगातार आपकी एयर कनेक्टिविटी होगी। आप शिमला से मंडी के लिए 6 दिन, सिर्फ संडे को छोड़ के 6 दिन यहाँ पे चॉपर जो है हर रोज आने वाला है। एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मंडी के लोगों को बाकी प्रदेश के साथ से मिलेगी, इसलिए आपको सबको बहुत बधाई। विपिन रावत जी की दुखद हादसे के बाद जहाँ पे हमें कमांड चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज का दुखद मृत्यु कल हुई है, इस वजह से आज हम कुछ कार्यक्रम नहीं कर रहे और केवल एक सिम्बॉलिक फ्लाइट के रूप में आज इसको शुरू करते हैं। धन्यवाद जी। मैं तनुजा शर्मा बोल रही हूँ और मैं यहाँ सिनेडी मोहल्ले से हूँ, मंडी में, और मैं धर्मशाला में कार्यरत हूँ। और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा हमें, हम लोगों को दी है कि इससे टाइम की बचत भी हो रही है। तो हम जहाँ 6 घंटे लगते हैं बस में, तो हम मतलब आधे या पौने घंटे में ही मतलब हम जाएंगे। इससे टाइम की सेविंग भी है और सरकार ने बहुत अच्छा ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है और बहुत अच्छी सुविधा दी है हम लोगों के लिए। ये भी कह दो कि पहली बार फर्स्ट टाइम मैं और हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मतलब एक्साइटेड हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।